आज जो राशन का एहतमाम किया गया है वो सुल्तान साहब और डॉक्टर सादिया के तरफ से किया गया। तमाम चीज़ें अल्लाह के हुक्म से हमने एक पैकेज बनाया और ये दूध का पैकेट भी है नीडो है। अच्छा, वकार मुस्तफ़ा साहब ने मुस्तफ़ा साहब के लिए 10,000 रुपीज़ भेजे थे। जिसने राशन ये मेरे लिए दिया, मैं उसके लिए दुआ करती हूँ। पहले तो थैंक्स करूँगी आपका और उनका, जिन्होंने मुझे अपने इस पैकेज में याद रखा। बहुत अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूँ सैयद मोहम्मद जमशेद आसमी और आप देख रहे हैं जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल। जैसा कि क्योंकि माह रमज़ान की बाबरकत महीना शुरू हो चुका है और बहुत सारे लोग जो हैं वो, जिसमें ख़ास तौर पे सुल्तान साहब और डॉक्टर सातिया और वकार मुस्तफ़ा और हमारे बदर साहब फ्राम लंदन, ये हमसे रबते में हैं। अच्छा, आज जो राशन का एहतमाम किया गया है वो सुल्तान साहब और डॉक्टर सादिया के तरफ से किया गया। अच्छा, उनसे मेरी काफ़ी गुफ्तगु हुई तो उनकी जो ख्वाहिश थी कि लोगों को जो है ना ओपन एटमॉस्फेयर पे रोज़ा खुलवा दिया जाए, तो मैंने कहा कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर हम वही रोज़े का सामान और शहरी का सामान का एक पैकेज बना के अगर हम अपने जितने भी भाई लोग हैं जिनके पास ये एहतमाम नहीं हो पाता उनको अगर हम दे दें तो कैसा रहेगा, तो उनको ये आइडिया पसंद आया। और वैसे भी आप लोग देखते होंगे कि जहाँ पर सहरी अफ्तारी करवाई जाती है रोड पे तो वो पूरी फैमिली नहीं पहुँच पाती, जो लोग करीब होते हैं बेचारे वो लोग खोल लेते हैं। तो मैं बेहद मशहूर हूँ डॉक्टर सादिया बहन का और सुल्तान साहब का कि उन्होंने जो है मेरी इस तजवीज़ को पसंद किया और उन्होंने कहा कि ठीक है सहरी और राशन जो है उसका सामान होना चाहिए। अच्छा, इसमें सामान क्या है वो एक नज़र आपको दिखा देते हैं। बिलाल, एक कट्टा खोलो, खोलो। निकालना तो निकालते जाओ। इसमें ये दो पैकेट सवैयों की कर दी है, ठीक है। इसमें एक बोतल रूह अफ़ज़ा है। अच्छा, इसमें ये खजला फेनी है, ठीक है। ये आधा किलो है ना, आधा किलो। एक आधा किलो के दो पैकेट पापड़ के, एक किलो ये है और ये खजूर है इसके अंदर आधा किलो। अच्छा जी, ये बेसन है एक किलो, एक किलो बेसन है और एक किलो चीनी है, तेल है, घी है, 10 kg आटा है, चना और चने की दाल वगैरह, ये चना है 1 kg, ठीक है, और ये चने की दाल है, दो चाय की पत्ती हैं और 10 kg आटा है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हमने तैयारी से की हैं, पापड़ वगैरह जो है फेनी वगैरह, ये तो सहरी में और अफ्तार में रूह अफ़ज़ा वगैरह भी है, पापड़ भी है, तमाम चीज़ें अल्लाह के हुक्म से हमने एक पैकेज बनाया और ये दूध का पैकेट भी है नीडो बुनियाद, ठीक है। तो हमने इस तरह बनाया है कि इसमें सवैयों के दो पैकेट कर लिए, फेनी का भी कर लिया है, तो रोज़दार जो हैं आराम से सुकून के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में बैठ के बच्चों के साथ रोज़ा अफ्तार भी कर लेंगे और सहरी का भी एहतमाम हो जाएगा। तो इसमें जो है, हाँ बिलाल इसको डाल दो, तो इसका जो भी कार्य खैर है, जो भी इसका जो अजर अजीम है वो इंशाल्लाह अज़ीज़ बहन सादिया डॉक्टर सादिया को और सुल्तान साहब को हक में जाएगा। फिजा क्या करें, बांटना शुरू कर दें पहले वकार मुस्तफा की तरफ। हाँ, कहाँ है वो मुस्तफ़ा साहब, आ जाइए। अच्छा, वकार मुस्तफ़ा साहब, नेक्स्ट प्रोग्राम जो है हमारा आटे का है। अच्छा, आटे का प्रोग्राम होगा तो इंशाल्लाह देखें, बीच में अगर कोई बंदा जो है हमसे तावुन करेगा तो राशन का कर लेंगे, तो अभी तक आटे का है। अच्छा, वकार मुस्तफ़ा साहब ने मुस्तफ़ा साहब के लिए 10,000 रुपीज़ भेजे थे और कहा था कि मुस्तफ़ा साहब को दे दें, आ जाए। तो मुस्तफ़ा साहब खोल के चेक कर लें, इसको देख लें, वो वकार मुस्तफ़ा साहब की अमानत आपको पहुँच गई। कितने हैं, ठीक है ना। चलें, मैं बेहद मशहूर हूँ वकार मुस्तफ़ा साहब का कि उन्होंने इनका ख्याल रखा, मुस्तफ़ा साहब का, क्योंकि झूला वगैरह झूला के बच्चों के लिए अपना रोज़गार कमाते थे और कुछ अमाउंट उन्होंने भेजी आटे के लिए।
तो ये वकार मुस्तफ़ा के साहब की तरफ से था, तो हमने इनको दे दिया, ठीक है ना। तो दुआ में याद रखेगा, ठीक है। जितने भी हमारे जो डोनर हैं, जो आप लोगों का ख्याल करते हैं, तो आप लोगों पे एक छोटा सा वो होता है कि आप दुआ किया करें उन लोगों के लिए भी, ठीक है ना। दुआओं की तो हम सबको ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, क्योंकि दुआ का ख़जाना खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलें जी। हाँ भाई फिजा, क्या कहना चाहोगी इस अमल से? जी सर, मैं बहुत खुशी हो रही है देखकर, ये इसमें सारे रमज़ान के माशाल्लाह से बहुत सारी नेमतें हैं जो इसमें, जो आजकल हमारे मुस्तहिक बेचारे लोग हैं वो नहीं ले पाते। तो सर ने इस मशवरे से कराए कि ये रोज़ा सहरी और इसमें सब कुछ नेमतें इसमें रखी गई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपना ये प्रोग्राम कर रहे हैं और बहुत खुशी है, और सुल्तान साहब और डॉक्टर सादिया का हम बेहद मशकूर हैं और बेहद शुक्रगुजार हैं कि वो हर टाइम हमारे साथ तआवुन करते हैं मुस्तहिकीन के लिए। जज़ाकअल्लाह। अच्छा, इसमें एक बात और मैं कर दूँ कि हमारे साथ, क्योंकि हमारी वॉलंटियर चेंज होती रही है ना मसरूफियात की वजह कर, जी सर। तो क्योंकि वो भी परेशान हाल थी जो तुमसे पहले काम कर रही थी, और तुमसे पहले तो कुछ ऐसी कंडीशन आ गई थी, तो आज हमने उनको भी इनवाइट किया उनकी पोजीशन देखते हुए। सर का ये आइडिया था कि उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो क्यों ना आज के ये रमज़ान पैकेज में उनको भी शामिल कर लिया जाए, ठीक है ना। तो ये डिस्कस हुआ, मैंने कहा नहीं उनके भी हालात सही नहीं रहते, तो इधर ही हैं नासरी में और यारों में, तो इंशाल्लाह आज हम वॉलंटियर को भी देंगे। तो सबसे पहले ये जो रोज़ा रखकर आई है ना जी, इनके हाँ स्टार्ट करते हैं सर। वन बाय वन आइएगा, आ जा मदराजा, ये लो। नीचे रख दें बिलाल भाई इनका। इनका भी नीचे रख दें। आ जाइए। आ जाइए आ जाइए। आ जाइए। रुक जाए एक मिनट। आप ले सकते हो। इनको भी दें सर, एक और है। ये ले लें सर, ये उनकी। अंकल इधर आए, रुक जाए, यारों से ही आए। सर एक और है, उनको भी बुलाएं। तो फिजा आप अपना भी बैग ले लो, ठीक है, और आप अपना बैग भी ले लो, ठीक है। कुछ दुआ करना चाहोगे? जिसने राशन ये मेरे लिए दिया, मैं उसके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला उनके कारोबार में खैर बरकत दे और उनकी ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता फरमाए। सुनो भाई बिलाल, एक इनको दो, एक इसको दो। वालेकुम सलाम।
फिजा तुम अपना भी ले लो। सर मैं कैसा, मेरा भी रोज़ा ले रही हूँ, मैं भी लूँगी। तो एक एक जो है ये आशिक हो, तो आशिक कैसी हो तुम? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाए ठीक है? अल्लाह का शुक्र। और कैसे हालात चल रहे हैं? अल्लाह का कलम सर बेहतर है। अच्छा, ये एक पैकेज आपके लिए भी पता चला था हमें, तो हमने कहा आपके लिए बना देता हूँ, ठीक है ना? थैंक यू सर। तो ये है, अगर कोई दुआएं खैर करनी है तो कर। सबसे पहले तो थैंक्स करूँगी आपका और उनका, जिन्होंने मुझे अपने इस पैकेज में याद रखा, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। जी हम एक बार फिर बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं सुल्तान साहब और डॉक्टर सादिया के लिए, जो इन्होंने ये तआवुन किया हमारे साथ, इन सब मुसलमान भाई बहनों के लिए इफ्तार और सहरी के लिए, इतनी सब माशाल्लाह हमने इनके लिए नेमतें रखी, तो जज़ाकअल्लाह। तो वीवर एक बात मैं बताना भूल गया हूँ, जो हम कैंसर जो बेचारे जिनका 90% जो फेफड़े ख़राब हो गए थे, तो जिनके हम घर में अमाउंट भी देकर आए थे, आज उनकी भी बेगम को हमने बुलाया था, लेकिन हमने उनको निशानदेही इसलिए नहीं की कि वो पर्दा एक होता है ना, तो उनको भी अच्छा नहीं लगता। तो वो बेचारी आई थी पुराना गोली मार, जहाँ हम पेमेंट कर कर आए थे, तो बहुत दूर दूर से लोग आए और उनको भी हमने इसमें इस्तेमाल किया, ठीक है? तो ये प्रोग्राम जो है इंशाल्लाह देखें आप लोगों के ताबून से चलता रहेगा, और अल्लाह की मदद होगी तो इंशाल्लाह ज़रूर चलेगा। जो भी साहिब हैसियत लोग इसमें हिस्सा डालना चाहते हैं ज़रूर डालें, जो अपने तौर पे करना चाहते हैं बिल्कुल मोस्ट वेलकम वो भी करें, ताकि उनको दिली और ज़हनी सकून भी हासिल हो, और जो हमारी वीडियो देखते हैं बेचारे दूर रहते हैं और वहाँ कर नहीं सकते, तो इंशाल्लाह वो ज़रूर भेजें, और अपने भाइयों के लिए जो हम दे रहे होते हैं वो वीडियो के ज़रिए आप तक पहुँच जाता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि बदर साहब ने कहा कि आप जो है ना हमारे तरफ से एक अफ्तार पार्टी कर दीजिएगा, तो अफ्तार पार्टी इंशाल्लाह ज़रूर होगी, और वो बदर साहब की तरफ से होगी, उनकी ख्वाहिश है कि फ्राइडे को कर दें, तो क्योंकि अभी कल उनसे मेरी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था नेक्स्ट फ्राइडे को आप कर दीजिएगा, तो मैंने कहा इंशाल्लाह ज़रूर फ्राइडे को, और उससे आगे जो है वो आटे का है, अगर कोई भी साहब उसमें शामिल हो गए तो इंशाल्लाह अज़ीज़ हम राशन का भी कर सकते हैं, क्योंकि जो आटे की अमाउंट है जो दूसरी अमाउंट आएगी उसको मिला के एक राशन का भी पैकेज कर सकते हैं। तो वीवर कुछ लोग अभी रह गए हैं रोज़े रमज़ान में, ठीक है, तो उनके भी घरों को पहुँचाना है रोज़े से पहले पहले, तो क्योंकि अभी 6:10 है, हमारे पास भी कम टाइम है, तो उनके घरों पे भी जाना है, रमज़ान का दिन है, तो हमें दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। तो अल्लाह आपका हामी व नासिर हो और आपको खैर आफियत से रखे। थैंक यू, जज़ाकअल्लाह।